हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मुझे ना अपने पूरे मुर्गियों के चूजे ना शेड पर लेके जाने हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसे घर पे रखे हुए, आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे दिया और एक टॉर्च लगाई है, लेकिन मैं अभी शेड पे लेके जाऊँगा। तो चलो इसको मैं पूरा पैक करके आपको बाद में दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे पूरे कटोरे में, बड़े कटोरे में मैंने ऐसे चूजे को रख के लाया हूँ, और एक कटोरे है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो भी ऐसा ही मैंने उन पर इस पर आधे और एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना बड़े वाली, और इसमें आधे मैंने मतलब ऐसे दो दो में आधे आधे करके चूजे लाया हूँ। और इस बार ना मैंने कम ही चूजे लाए हैं। कम चूजे लाने की वजह यह है कि एक्चुअली मेरे यहाँ ना लाइट की व्यवस्था नहीं है और पानी भी अच्छा नहीं है, और पानी है लेकिन दूर से लाना पड़ता है, तो यही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मैंने ना कम ही चूजे लाता हूँ हर बार। और आपके पास अच्छा पानी और बिजली की व्यवस्था होगी ना तो आपके लिए अच्छा काम है ये। दूसरा काम करके भी आप ये काम कर सकते हो, है ना। तो मैंने कुछ इस तरह से बर्तन कुछ रखे हैं, और देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक फीड भी है इनका, ये स्टार्टर बोलते हैं इनको, छोटे बच्चों के लिए ये रहता है। तो आपके एरिया के हिसाब से होगा, कम ज़्यादा रेट पे भी मिलता है। तो कुछ मुझे ना 1900 रुपये 50 kg की ये बैग मिली है। तो आपको इस वीडियो में पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली मैंने बोला कि लाइट की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मैं नाइट को भी यहाँ पे क्या व्यवस्था की है, कैसे पालता हूँ इनको, मतलब उजाला कैसे करता हूँ रात को, तो आपको सब देखने को मिलेगा। और प्लीज़ यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे और अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी देखो नाइट का सीन है, ये पूरी नाइट हो चुकी है अभी। अब देख सकते हो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली अंदर कैसा सीन है। तो यहाँ पे देखो, आपको लग रहा है कि भाई झूठ बोल रहा है, लाइट तो है वहाँ पे, दिख रहा है ना। तो भाई वो लाइट मतलब लाइट ही है, लेकिन वो चार्जिंग वाला बल्ब है जो मैं घर से चार्जिंग करके लाता हूँ, और वो ना ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे या 3 घंटे चल जाता है। तो इसके वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, भगवान जी की कृपा और आपका प्यार मिलता रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कर सके। तो कुछ ऐसा है, एक बड़ी मुर्गी है, वहाँ पे एक बड़ी मुर्गी है ना, तो बच्चों को मारे ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ देखो पूरा पार्टीशन करके रखा। तो इसके बाजू में मतलब इस खाने में ना पूरे वो छोटे बच्चे, और जो इतना बच्चा है पेस, ये देखो यहाँ पे मेरी खटिया रहेगी, और वहाँ पे एक बड़ी मुर्गी है। दिन में तो इनको खुले में छोड़ता हूँ, बाहर रह जाती है, रात को ऐसे बैठ जाती है कोने में। तो जस्ट मैं खाना वीना खा के आ चुका हूँ, तो अपना सब कुछ यहाँ पे है। और मेरे घर पे ना नेट नहीं, थोड़ा भी नेट नहीं चलता, तो इसकी वजह से इधर खेत में ना नेट अच्छा चलता है, तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है कुछ मूवी या कुछ भी देखना हो तो। और वीडियो आप जब यूट्यूब की मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तब भी मैं यहीं पे आके अपलोड करता हूँ। हमारे शेड पे जितना अच्छा नेट चलता है ना, तो गाँव में नहीं चलता, इसकी वजह से मैं भी यहाँ पे आता हूँ। और खुला मौसम भी रहता है यहाँ पे, हवा भी मस्त अच्छी लगती है, इसकी वजह से यहाँ पे आता हूँ। खाना वाना खा के तो यही कुछ सीन है अपना। जितनी लाइट होगी ना उतना आपके लिए अच्छा है। लाइट की वजह से ना बच्चों को खाने को दिखेगा, जितना खाएंगे उतनी जल्दी उनकी ग्रोथ होगी, और उतने जल्दी अपने बच्चे बेचने को आएंगे ना। जब जितने जल्दी बड़े हो जाएंगे उतना अपने को फायदा है। तो जितनी लाइट होगी ना उतना अच्छा है, तो यही हमारे पास नहीं है। इधर बात करते करते ना, जो मैंने वहाँ पे बल्ब लगाया था ना बड़े वाला, वो ऑफ हो गया, मतलब उसकी चार्जिंग पूरी उतर गई है, और बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, तो मैंने छोटी टॉर्च वहाँ पे दिख रहे ना, तो ये टॉर्च लगा दी है। और ये मोबाइल का फ्लैश की वजह से आपको इतना उजाला दिख रहा है, असल में यहाँ पे ना बिल्कुल पूरा अंधेरा है, एकदम ब्लैक अंधेरा है। अभी टॉर्च करके बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना अंधेरा है यहाँ पे। देखो ये देखो, अभी दिख रहा है कुछ, और देखो कितने हल्के एकदम छोटे से टॉर्च है ना, उससे उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, बच्चों को खाने का भी कुछ नहीं दिख रहा। इसकी वजह से बहुत चिल्ला रहे थे अभी तो, मतलब अभी थोड़ा चुप बैठे, इससे पहले बहुत चिल्ला रहे थे। वो टॉर्च से भी अच्छे तो हमारे मतलब मोबाइल की टॉर्च ना, रात भर तो मैं मोबाइल की टॉर्च लगा के नहीं रख सकता ना, तो अभी वो आदत पड़ने तक अभी ऐसा ही चलेगा बड़े बड़े होने तक। और ये देसी है, इसकी वजह से इनको ज़्यादा उजाले की जरूरत नहीं, आदत पड़ने तक ही
जो बल्ब था ना अपना, मैंने बताया कि वो बंद गिर गया था तो ऑटोमेटिक ही चालू हो गया। ये देखो, और आप भी बच्चे ना यहाँ से दिख रहे होंगे आपको, तो खाना खाने के लिए देखो अभी कैसे आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, चालू हो गया और फिर से बंद हो गया। क्या दिखा रहा हूँ मैं भी आपको। खैर छोड़ो, गुड नाइट गाइज़।